नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। आरआरपी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर बिहार में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ये आंदोलन, ये प्रदर्शन अब हिंसक हो रहा है, सत्ताधारी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बन रहा है और विपक्षी दलों को एक मौका मिल गया है सत्ताधारी पार्टी को घेरने का। शायद इसीलिए पप्पू यादव मरने मारने की बातें कर रहे हैं। खैर, आपको बता दें, छात्रों के आह्वान पर आज बिहार बंद था, जिसका असर कहीं ना कहीं पूरे बिहार पर देखने को मिला। कई क्षेत्र ऐसे रहे जहां व्यापारियों ने डर के मारे अपनी दुकानें नहीं खोली। कई क्षेत्र ऐसे थे जहां सड़कों पर कोई नजर नहीं आया। बिहार में हो रहे इस आंदोलन को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में है, तो वहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब है। तेजस्वी, जो 1 जनवरी 2022 के बाद राजनीति छोड़िए सोशल मीडिया से भी कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, वो तेजस्वी इतने अहम मुद्दे से भी फिलहाल गायब देखे। उनकी तरफ से कोई टिप्पणी अब तक सामने नहीं आई है। वहीं पप्पू यादव ने, उनके समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे छात्राओं का समर्थन किया है और इन्हीं को लेकर अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आज जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो छात्र नहीं हैं, वो राजनेता हैं, वो विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं। ये वो लोग हैं जो इसमें, इस आग में अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। बिहार में जो जिस तरीके से ट्रेन में बोगियों में आग लगाई गई, जिस तरीके से सड़कों पर आज टायर जलाए गए हैं, जिस तरीके से बिहार में फ्लाईओवर को जाम करने की कोशिश की गई है, उन सब पर क्या कहना है सत्ताधारी पार्टी का, क्या कहना है विपक्षी दलों का, पप्पू यादव का बयान क्यों अहम माना जा रहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, देखिए जरा। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ समेत कई छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया। इसे लेकर बिहार के अलग जिलों में सुबह से प्रदर्शन देखने को मिला, जिसका महागठबंधन समेत कई पार्टियों ने समर्थन किया। पटना के अशोक राजपथ में साइंस कॉलेज के पास छात्रों ने हंगामा किया, तो वहीं भिकना पहाड़ी मोड़ के पास छात्रों ने रोड जाम कर टायर जला दिया। सुपौल में जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने बिहार बंद को सफल बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचकर सहरसा से राघोपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस पूरे मामले में अब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कहा, बिहार बंद में कहीं भी छात्र नहीं है, उसमें राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। छात्रों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। कल केंद्रीय रेल मंत्री से बात हुई तो रेल मंत्री ने आश्वस्त किया है, हाँ, दूसरी परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, एक ही परीक्षा होगी। रेल मंत्री ने कमेटी भी बनाई है, अब इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की ओर से सुशील मोदी ने कहा, रेलवे और बिहार सरकार से अपील है कि छात्र जो पटरी पर आए हैं वो कोई अपराधी नहीं है, उन पर दंडात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। छात्र इसमें आंदोलन में नहीं है। 25 और 26 जो आम विद्यार्थी सड़क पर आए थे वो आज नहीं है, अभी राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के लोग हैं। जब सरकार उनकी समस्याओं का निदान कर रही है तो आंदोलन की क्या जरूरत है। वहीं इस पूरे मामले पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव का कहना है, सुशील मोदी बिना कागज के मसला सुलझने का दावा करके छात्रों को उलझाते हैं। छात्रों पर गोली लाठी चलेगी तो हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। पटना साइंस कॉलेज के सामने पप्पू यादव की पार्टी जाप की छात्र इकाई ने सड़क जाम कर दी, सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। सिवान में बिहार बंद के दौरान छात्रों के समर्थन में आरजेडी के विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी भी सड़क पर उतरे। इस दौरान उनके साथ सड़क पर सैकड़ों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता दिखे और सबने बिहार बंद को सफल बनाने की कोशिश की। सहरसा में बिहार बंद का असर दिखा। यहां छात्रों के समर्थन में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने
केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए और सड़क पर आगजनी की। रिपीट, और सड़क पर आगजनी की। प्रदर्शन में आरजेडी के जिलाध्यक्ष ताहिर गौतम कृष्ण, पूर्व सांसद लवली आनंद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज की सुबह खान सर ने छात्रों से अपील की कि वो किसी भी हाल में बिहार बंद का समर्थन ना करें। खान सर ने इस संबंध में वीडियो भी जारी किया। आपको बता दें, इस पूरे मामले में आलोंदनकारी छात्रों की मांग है, जो परिणाम घोषित किए गए हैं उसे सरकार रद्द करके फिर से उत्तर पत्रक का मूल्यांकन करके रिजल्ट घोषित करे। इस पूरे मामले में छात्रों का कहना है, लॉज में पढ़ रहे छात्रों को जबरन पुलिस खींच खींच कर बेरहमी से पीट रही है, जो सरकार की तालिबानी रवैये को दर्शाता है। इस पूरे मामले पर बिहार में जमकर बवाल मच रहा है और ये सवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जहां पप्पू यादव इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक बता रही है।